ठीक है, जो भी लोग मुझे अभी देख रहे हो मैं किस बारे में बात करने वाला हूं वो बताता हूं। पहले आप में से जो भी स्टूडेंट्स ऐसे हो जिनका जून 24 में या उसके पहले एनी वन ग्रुप क्लियर हो चुका है, और अभी आप दिसंबर 24 में पेंडिंग जो आपका ग्रुप होगा वो पेंडिंग ग्रुप आप देने वाले हो, ठीक है। इसमें एग्जेम्पशंस इंक्लूड करके, एग्जेम्पशंस के अलावा सबकी बातें हम मिला के ही करेंगे, ठीक है। चलिए, सो अगेन अनदर डिस्क्लेमर, जो भी बात कर रहा हूं इन जनरल बोल रहा हूं मैं, जो मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स के लिए एप्लीकेबल होगी। इंडिविजुअली वी कैन टॉक, इंडिविजुअली वी कैन टॉक, ठीक है। चिराग जी कह रहे हैं थैंक यू सर, बोथ ग्रुप क्लियर, योर वीडियोस हेल्प्ड मी सो मच, थैंक यू सो मच बेटा। फाइनल में भी ऐसे ही रहूंगा मैं आपके साथ, टेंशन मत लो, ठीक है। हाँ, कोई भी चीज रहे आपको जरूर बताइए। आइए, सो पीपल ध्यान दीजिएगा यहां पे, अब आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीजों के लिए ऊपर ध्यान देना है सबसे पहले, ठीक है। आप चाहे वो स्टूडेंट हो जिसने पेंडिंग ग्रुप अभी सोचा था देने का या दे दिया था बट नहीं क्लियर कर पाया, वॉट एवर दैट इज, फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, उसके ऊपर ध्यान मत दो। अगर आपने एक ही ग्रुप पढ़ा था और एक ही ग्रुप दिया था और आप फेल हो गए, या आपने दोनों ग्रुप पढ़े थे दोनों ग्रुप दे दिया आप फेल हो गए, मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड किया हुआ है आपके लिए, मैं उसका लिंक आपको भेज दूंगा। आप अगर जीरो डाउट्स ग्रुप पे नहीं हो व्हाट्सएप पे तो जुड़ जाइए, उसमें वो आपको लिंक मिल जाएगा, आप उससे एक बार चेक कर सकते हो, ठीक है। अभी स्पेसिफिकली इन ये कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, बिकॉज देयर आर सम फ्यू पॉइंट्स जो मैं स्पेसिफिकली कहने जा रहा हूँ, ठीक है। देखो, अब आपका पेंडिंग ग्रुप जो है, क्या बोल रहा हूं सर मैं, आपका पेंडिंग ग्रुप जो है, अगर आपका पेंडिंग ग्रुप ग्रुप वन है तो थोड़ी सी चीजें अलग होगी, और पेंडिंग ग्रुप आपका ग्रुप टू है तो थोड़ी सी चीजें अलग होगी, राइट। आप इस चीज को गलत मत लीजिएगा, बट अगर आपका ग्रुप वन पेंडिंग है और ग्रुप टू क्लियर हो चुका है, चीजें थोड़ी सी हल्की सी डिफिकल्ट हो सकती है आपकी कंपेयर्ड टू अदर स्टूडेंट्स, थोड़ी सी कंपेयर टू देम चीजें आपके लिए थोड़ी सी डिफिकल्ट हो सकती है, बिकॉज आपने इजी वाला काम कर लिया है, डिफिकल्ट वाला काम आपने पेंडिंग रखा है, जैसे कि लेंथी सब्जेक्ट्स है, खास करके टैक्स, राइट, जैसे कि ट्विस्टिंग क्वेश्चन आते हैं, कंफ्यूजिंग क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, उसकी बात हो रही है। सर अगर आप फाइनल के स्टूडेंट हो तो ये आपका ग्रुप थ्री हो गया, ये आपका ग्रुप फोर हो गया, ठीक है। सेम चीज है सर, सेम चीजें यहां पर भी आ गई। सर इंटर में तो टैक्स होता है, फाइनल में तो टैक्स दोनों में है, मैं फाइनल में डीटी की बात कर रहा हूं, ठीक है ना। डीटी ज्यादा वास्ट है, आईडीटी में पढ़ा तो मुझे पता है इतना वास्ट नहीं है कंपेयर टू डीटी, ठीक है। तो यहां पे टैक्स सताएगा, यहां पे डीटी सताएगा, रिजल्ट इन दोनों के अच्छे आते हैं, रिजल्ट इन दोनों के कम अच्छे आते हैं, ये दोनों वास्ट नहीं है, ये दोनों बहुत वास्ट है, ठीक है। तो इशिता जी या बाकी लोग जो भी आप देख रहे हो, आप प्लीज ध्यान दीजिए, मैं आपके लिए कॉमनली ही पूरी चीजें बता रहा हूं। इंडिविजुअल गाइडेंस इंटर फाइनल का जो भी है बाद में होगा, मैं आपको बेसिक आइडिया दे रहा हूं अभी इस सेशन के अंदर में सिर्फ, ठीक है। तो जो भी लाइव जुड़े हुए हो प्लीज ध्यान दीजिए। अब सर समझने की कोशिश करना, अगर आप ये बाकी हो, ये दिसंबर में दे रहे हो या ये दिसंबर में दे रहे हो, तो थोड़ी सी चीजें अलग होगी। जैसे कि यहां पे आपके नंबर ऑफ आवर्स ऑफ स्टडी, आपका प्रोडक्टिवनेस स्टडी का, ये बढ़ना चाहिए बहुत ज्यादा। यहां पे एक ग्रुप आपने अगर मतलब ग्रुप टू या ग्रुप फोर क्लियर कर लिया और ग्रुप वन ग्रुप थ्री बाकी है, तो बहुत ज्यादा सीरियस होने की जरूरत है स्टडीज में, राइट। सर एक और चीज, आपने ग्रुप टू या ग्रुप फोर दे दिया है और आप पास हो गए और ये ग्रुप वन ग्रुप थ्री बाकी है, ग्रुप टू और ग्रुप फोर में जो भी स्ट्रेटेजी यूज की थी, जो भी प्रोसीजर, जो भी मेथड यूज किया था, ये शायद इसमें हेल्प ना करे, क्योंकि यहां टाइम मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट बहुत कम था, चीजें कम थी, यहां टाइम मैनेजमेंट है, कॉन्टेंट मैनेजमेंट है, बहुत सारी चीजें है यहां पर। तो थिंग्स डिफर, थिंग्स चेंज, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट, राइट। लेवल ऑफ क्वेश्चंस आस्क्ड यहां यहां बहुत फर्क है, राइट। नंबर ऑफ चैप्टर्स कवर्ड, सिलेबस कवर्ड, दोनों में बहुत फर्क है, राइट। अगर ग्रुप वन और ग्रुप थ्री की बात करें, क्वेश्चन पूछने का तरीका बहुत ज्यादा ट्विस्टेड होता है, यहां उतना नहीं होता है। तो कहने के लिए मुझे सिर्फ दो तीन पॉइंट्स ही कहने हैं, बस उसके बाद मैं आपके, आप जो कहना चाहते हो उसको सुनूंगा मैं। सो दो तीन पॉइंट्स ही है। सबसे पहली बात, अगर आप वो इंसान हो जो नंबर ऑफ आवर्स में कंपेयर करता है अपने पढ़ाई को, राइट, तो नंबर ऑफ आवर्स यहां पे बढ़ने वाले हैं, ठीक है। अगर आप प्रैक्टिस की बात कर रहे हो, यहां पे सर बढ़ने वाली है। अगर आप रिवीजन की बात कर रहे हो, तो यहां पे सर रिवीजन भी बढ़ने वाला है, ठीक है। यहां पे अगर आपको लगता है कि सिर्फ हार्ड वर्क से काम चल जाएगा, तो नहीं चलेगा, यहां पे स्मार्ट वर्क आपको लगेगा, ठीक है। हालांकि अगर आप इस सिचुएशन में हो, तो मैं आपको बता दूं, इनमें से कोई भी कंपैरिजन भले यहां नहीं चलेगा, आप अपने हिसाब से अपनी मनमानी करिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बट प्लीज 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 एक चीज का ध्यान रखिएगा, ग्रुप टू या ग्रुप फोर देते समय डू नॉट टेक इट लाइटली, जस्ट बिकॉज इजी है
और जस्ट बिकॉज आप बड़ा वाला काम करके आए तो छोटे काम तो हो ही जाएगा सर, मैं ग्रुप वन पार कर लिया, ग्रुप थ्री पार कर लिया, तो ग्रुप टू ग्रुप फोर कौन सी बड़ी चीज है सर, ये जल्दी हो जाएगा, इजिली हो जाएगा, प्लीज ऐसा मत लो। आई हैव सीन पीपल जिन्होंने यहाँ पे बहुत अच्छा स्कोर किया हुआ चारों सब्जेक्ट में एग्जेम्पशंस, और यार दो दो तीन तीन अटेम्प्ट लग गए हैं क्योंकि अंडर एस्टिमेट कर लिया चीजों को। तो ये एक ही गलती है, ये माइंडसेट का इशू है सर ग्रुप टू और ग्रुप फोर का। सर रिजल्ट तो अच्छा ही आता है सर, पढ़ लूंगा, हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है, इसको वहां पर ध्यान देना है, राइट। तो अगर यहाँ ग्रुप वन पढ़ने के लिए आपको मेहनत ज्यादा करनी है तो यहाँ पे आपको आपका माइंडसेट ज्यादा रेडी रखना है। तो इन चीजों को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये बहुत जरूरी चीजें हैं आगे बढ़ने के लिए, ठीक है। नाउ व्हाट नेक्स्ट सर, आपके केस में सबसे पहली चीज आपको डाउट आ रहा होगा, कुछ स्टूडेंट्स इंटर पे भी फाइनल पे भी ये मैसेज ऑलरेडी कर चुके हैं कि सर मुझे डाउट है कि कहीं सर मेरा जो भी ग्रुप बचा हुआ है दोनों में से ये कंप्लीट हो पाएगा, मैंने दिसंबर में एग्जाम देना चाहिए, स्किप करके जून में एग्जाम देना चाहिए। मैं बोलूं आप डाउट के सिचुएशन में आने ही नहीं चाहिए, आपका जितना भी टाइम बचा हुआ है इट इज मोर देन सफिशिएंट सर। क्या बोल रहा हूं मैं सर, इट इज मोर देन सफिशिएंट, राइट। अब दो वजह है उसकी, मैं एक्सप्लेन भी करूंगा क्यों, लॉजिकली दो वजह है उसकी। पहली बात, आज से लेकर के अगस्त तो भूल जाओ, दिसंबर भूल जाओ, यू हैव सितंबर, यू हैव अक्टूबर, यू हैव नवंबर, सन बचा हुआ है हमारे पास सितंबर अक्टूबर नवंबर, 3 months are there, यानी कि 90 days are there with us, ठीक है। अगर आपका ग्रुप टू या ग्रुप फोर है और आपके क्लासेस भी बाकी है, मैं बोलता हूं तभी भी पॉसिबल है। अगर आपका ग्रुप वन या ग्रुप थ्री है तो आपके क्लासेस 30 सितंबर तक टेंटेटिवली खत्म हो जाने चाहिए, तो भी पॉसिबल है, तो भी पॉसिबल है, ठीक है। अगर क्लासेस की बात करें तो ठीक है ना, अगर क्लासेस की बात नहीं करता हूं मैं, अगर सेल्फ स्टडी वगैरह किया हुआ है, क्लासेस किए हुए हैं, बस रिवीजन करना है, प्रैक्टिस करना है, फिर तो सोचो ही मत, दिस इज मोर देन सफिशिएंट, ठीक है। मैं इसके ऊपर डिटेल्ड स्ट्रेटेजी वीडियो अलग से इंटर के लिए और अलग से फाइनल के लिए यूट्यूब चैनल पे अपलोड करूंगा, आज नहीं शायद 4-5 दिनों में, बट फिलहाल के लिए मैं आपको बताता हूं ये 90 days में आपने बायफर्केशन कैसा करना चाहिए। पहले 30 दिन, दूसरे 30 दिन और उसके आगे के 30 दिन, यानी कि सितंबर, ये वाला अक्टूबर और सर ये वाला नवंबर। आपने कोशिश करना है सितंबर के अंदर में आपका अगर क्लासेस हो या आपका सेल्फ स्टडी हो, ये आपने कंप्लीट कर लेना है, राइट। यहां पे आपने कोशिश करनी है कि 1 paper ईच सब्जेक्ट आपने सॉल्व करना है, सॉल्व बकायदा प्रॉपर सॉल्व करना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मॉक दे करके, और आपने रिवीजन स्टार्ट कर लेना चाहिए, ठीक है ना। यहां पे सर आपको प्रैक्टिस तो कंटिन्यू रखना है, बट पेपर सॉल्विंग नहीं किया भी तो भी चलेगा लास्ट के 30 दिनों में, और यहां पे सर क्विक वाला रिवीजन स्टार्ट कर देना है, ये आपका मोटा मोटी शेड्यूल होना चाहिए। इसमें सर हर चीज को, मतलब इसमें अगर आप ये खास करके ग्रुप टू या ग्रुप फोर दे रहे हो, अगर आप ग्रुप वन या ग्रुप थ्री दे रहे हो उस केस में सर ये 45 days का पीरियड हो जाएगा, ये 15 days का हो जाएगा, और ये 30 days एक्टिविटी सपोज टू बी डन दी सेम। यहाँ पे जैसे 15 दिन हो गए तो आप पेपर सॉल्व मत करिए, पेपर आप गो थ्रू करिए, ये हो सकता है अगर आपको ज्यादा करना है ग्रुप वन ग्रुप थ्री के केस में, ठीक है। सो ये टेंटेटिव आइडिया था जो मुझे आप लोगों को देना था, ये जो भी चीजें मैंने बताई है आई होप ये आपके लिए यूजफुल रहेगी। इसमें बहुत सारी बार स्टूडेंट ये गलतियां कर बैठता है जो मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, राइट। एक और गलती जो स्टूडेंट कर बैठता है, सिंस मेरा कोई भी एक ग्रुप क्लियर हो गया तो मैं कॉन्फिडेंस में हूं कि जो भी मैं कर रहा था वो स्ट्रेटेजीज मेरी सेम टू सेम अप्लाई हो जाएगी, तो यहां दिक्कत हो सकती है, ठीक है ना। तो उन लोगों को मैं कहना चाहूंगा कि आपको ऐसा नहीं सोचना है बिल्कुल भी, बिकॉज देयर इज अ पॉसिबिलिटी आपने कुछ गलत कर लिया हो, इस बार आप बच गए, आप पास हो गए, अगली बार आप शायद नहीं बचेंगे, शायद नहीं पास हो गए, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो प्लीज 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 व्हाट एवर यू हैव ट्राइड टू डू जस्ट थिंक अबाउट इट वंस, डू नॉट स्टार्ट द स्टडी इमीडिएटली। तो अगेन टेक अवेज क्या है अभी के सेशन से, एकदम इमीडिएट स्टडी नहीं करना है, एनालाइज करिए, बात करिए मेंटर से, आपके फ्रेंड से, मुझसे, जिससे भी आप कंफर्टेबल हो और जो थोड़ा सा एक्सपीरियंस कर चुका हो, फाइंड आउट करिए मैंने अगर 4 चीजें की जिसके कारण मेरा रिजल्ट पॉजिटिव आया एक ग्रुप का, उसमें से क्या चीजें हैं जो मुझे कंटिन्यू करनी चाहिए, राइट। उसके अलावा क्या चीजें हैं जो मुझे अभी एडिशनल ऐड करनी चाहिए, और क्या चीजें हैं जो मैंने की तो थी बट वो फालतू थी, नहीं करनी थी, मुझे अभी पता चला उससे फायदा नहीं हुआ, वो मैं नहीं करूंगा अभी, ठीक है। तो ये करने के लिए समय चाहिए, और फिर टारगेट बेस्ड स्टडी चालू करिए, राइट। मैं आपको बहुत सारी चीजों के लिए हेल्प करूंगा, स्पेसिफिकली टारगेट सेट करने में। एवरी मंडे 7 PM लाइव हम मिलते हैं, इंटर वालों फाइनल वालों 9 PM, ठीक है। YouTube पे स्ट्रेटेजी वीडियोस आते ही रहते हैं, और खास करके इंटर में टैक्सन OMSM और फाइनल में IDT, इनमें कुछ खास मुझसे मदद लगे, क्लासेस की बात नहीं कर रहा हूं, क्लासेस लेने तो आप ले लेना, वो अलग बात होगी, बट इन जनरल भी कुछ हेल्प चाहिए क्योंकि ये मेरे एक्सपर्टीज वाले सब्जेक्ट्स हैं, तो मैं इसमें हेल्प जरूर कर सकता हूं, ठीक है। सो दैट वाज इट, मुझे आप लोगों को जो एक ग्रुप के लिए अपियर करने वाला दिसंबर में, मुझे मेनली ये 4-5 चीजें आपसे कहनी थी जिसके कारण मैंने आपको अलग से एड्रेस करना सही समझा,
राइट। इसके अलावा आप जो दोनों ग्रुप स्टूडेंट्स वाला वीडियो है वो देखना चाहते हो तो मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, जरूर देखिएगा, ठीक है। सो आप यहां तक पहुंचे हो मतलब आप शायद जीरो डाउट्स ग्रुप में ऑलरेडी ज्वाइन हो, नहीं हो तो आप ज्वाइन हो जाइएगा। सीए में इंटर या फाइनल लिखा होगा और फिर जीरो डाउट्स लिखा होगा, ये ग्रुप में आपको रहना है। और जिनके पास मेरा नंबर नहीं है और मुझसे बात करना चाहते हो, ये रहा मेरा नंबर, व्हाट्सएप करके रखिएगा, आपको मैं कॉल बैक करता हूँ थोड़ी देर में, ठीक है। That was it, people. Now over to you guys. आप में से जो भी लोग लाइव अभी जुड़े हुए हो, आपसे आपको जो भी मुझसे डिस्कस करना है आप कर सकते हो। आपको वन टू वन बात करनी है अगर सबके सामने नहीं तो मुझे मैसेज कर दीजिए, मैं कॉल करूंगा आपको। आप में से कुछ लोगों ने किया हुआ है, मैं कॉल करता हूँ आपको, बट फिलहाल लेट्स गो। पहले तो ये जो भी मैंने आपको बताया ये हेल्पफुल लग रहा है तो HELPFUL हेल्पफुल टाइप कर दो एक बार चैट बॉक्स में, राइट अगर आपको लगता है तो, ठीक है।